हेलो फ्रेंड्स, सेफ्टी पोर्टल मास्टर स्टूडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट लेके आए दोस्तों, जो आप कहीं भी दोस्तों आप इसको यूज़ कर सकते हैं। घर के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, आप खेती में भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा मैं प्रोडक्ट लेके आया हूँ स्पेशल दोस्तों, लकड़ी कट करने के लिए, वुड कट करने के लिए दोस्तों। जैसे कि मैं आपको एक सैंपल दिखाने वाला हूँ, ये लकड़ी का मैंने एक डंडा लाया है, इसको कट करके आपको दोस्तों दिखाने वाला हूँ। तो बेहतरीन दोस्तों, आपको एक तो सिंपल और कम पैसे में आप दोस्तों इसको अप्रोक्सीमेटली आपको इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। ये सारा एसेसरी दोस्तों मैक्सिमम आपको दोस्तों 1300 रुपये मिल जाएगा। ग्राइंडर दोस्तों, आप कंपनी कौन सा लेगा, कंपनी के ऊपर डिपेंड है। बॉस कंपनी का लिया तो 2300 मिल जाएगा। अदरवाइज दोस्तों लोकल कंपनी का लिया 900 रुपये मिल जाएगा, 850 मिल जाएगा, कंपनी के हिसाब से दोस्तों मिल जाएगा। ठीक है, जैसा ब्रांड है उसी हिसाब से दोस्तों आपको क्वालिटी। तो दोस्तों, आज अपन पूरा का पूरा आपको एक कम बजट में आपको पूरा पूरा एक सारा डेमो दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं दोस्तों वीडियो की। तो मैं पूरा एक बार आपको एसेसरी दिखा देता हूं दोस्तों, इसका क्या क्या लगता है। ये सारे पीस दोस्तों आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास दोस्तों आप ऑर्डर डालोगे तो सारा का सारा दोस्तों आपको पूरा किट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सारी के सारी दोस्तों, ये जैसे कि दोस्तों पहले तो ये आपको चीज़ जुगाड़ करना पड़ेगा दोस्तों। आप चाहे तो मार्केट से भी ऐसा दोस्तों ले सकते हैं। आइटम सब अलग अलग है, अलग अलग यूजेस के हिसाब से। तो हमने सारी इकट्ठे चीज़ करके दोस्तों आपको एक वीडियो बनाया है, और आपको चाहिए तो दोस्तों हमारा आइटम में आपको प्रोडक्ट मिल भी जाएगा। ये दोस्तों एल्यूमिनियम का पूरा, और दोस्तों ये आयल की डब्बी है, आयल का कैन है दोस्तों। ये कहाँ पर असम्बल करना है दोस्तों, ये भी सारी चीज़ दिखाऊँगा दोस्तों। ये डब्बी दोस्तों कहाँ पर यूज होती है, किसके लिए यूज होती है। तो दोस्तों, इसके अंदर जला हुआ आयल रहता है मोटरसाइकिल का, टू व्हीलर का, पतला सा आयल डालने का। चेन के अंदर, ये मैं चेन दिखा रहा हूँ ना दोस्तों, ये यहाँ पे यूज होता है। इस चेन क्या रहता है दोस्तों, गर्म नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, और ये दोस्तों इसका कैप है, इसके ऊपर आप दोस्तों इसको पुश कर सकते हैं दोस्तों, प्रेस कर दिया, और इसको बंद भी कर सकते हैं दोस्तों। ये बंद हो गया। अब आपको अगर समझ लो आपको लकड़ी कट करना है तो इसको खोलना पड़ेगा। अगर नहीं खोलोगे तो इसके अंदर एयर नहीं जाएगा, एयर नहीं जाएगा तो आगे आपको ऑयल सप्लाई होने वाला नहीं है। ये तो कब की जगह दोस्तों, आपको अभी यूज ही नहीं करना है तो उस जगह पे दोस्तों इसको बंद करके रखना है। अब दोस्तों आप चाहते हैं दोस्तों ये असेंबल कहाँ करना है, सही बात है ना दोस्तों। मैं जो बात कर रहा हूँ आपको वही माइंड में चल रहा है ना दोस्तों। तो ये दोस्तों इसको असेंबल करना है अपन को एल्यूमिनियम बॉडी के अंदर। तो दोस्तों, इसका जो फ्रंट है, यहाँ पे देखो देखो साइड में दोस्तों दिख रहा है, ये चीज़ अपन को इसके अंदर करना है, बाहर नहीं रखना है इसको, ऐसा नहीं करना है। इसको दोस्तों इसके अंदर करना है। अभी इसको फिट कर रहे हैं दोस्तों, ये फिट हो गया। अब इसके दोस्तों दो स्क्रू लेना पड़ेगा, छोटे दो स्क्रू आप कौन से भी ले सकते हैं, और हमारे पास दोगे तो दोस्तों हम आपको टूल स्किल्स पूरा का पूरा एक साथ में देंगे। आप स्क्रू ड्राइवर के मजे से दोस्तों, टेस्टर के मजे से आप दोस्तों इसको टाइट कर सकते हैं। दो स्क्रू रहता दोस्तों, सिंपल से ऐसे फिट कर सकते दोस्तों आप। अब दोस्तों ये फिट हो गया है। अब दोस्तों सबसे पहले दोस्तों, ये तो अपन आयल क्या कर दिया, सबसे पहले दोस्तों अपन को फिट करना है ग्राइंडर को लेना दोस्तों। ये ग्राइंडर दोस्तों, पहला दोस्तों अपन को सबसे पहले दोस्तों इसको अटैचमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, इसका आपको दोस्तों क्लैंप इस टाइप का बनवाना है। अगर आप भी अगर मेरी तरफ से आप ऐसे ही बनाने चाहते हैं सारे आइटम एक एक करके, तो अगर हमारे पास आप दोस्तों ऑर्डर दोगे तो हमारे पास आपको पूरा असेंबल मिल जाएगा, पूरा किट के साथ में मिल जाएगा। तो दोस्तों अपन को यहाँ पे लगाना है, पहला आपको ये जो रबड़ है, रबड़ भी इसमें पहले असेंबल कर लेना। कौन सा भी दोस्तों पाइप का रबड़ आपको कहीं भी मिल जाएगा, प्लिमिंग की दुकान में दोस्तों ये पाइप रबड़ मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों मैं इसको रबड़ को लगा दिया। ये लगाने का रीज़न ऐसा है दोस्तों, जब अपन क्लैंप डालेंगे ना दोस्तों, तो ये फिट होने के लिए पूरा टाइट होना, यहाँ पे दोस्तों क्लैंप लगा दिया है। अब दोस्तों अपन को दो लेना है, बोर्ड लेना है दोस्तों। अब इसको दोस्तों अपन टाइट करेंगे। एलएनकी का बोल्ट है दोस्तों, आप कौन सा भी बोल्ट ले सकते हैं, सादा भी बोल्ट ले सकते हैं दोस्तों। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना दोस्तों।
पूरा पूरा नीचे दबा के दोस्तों फिट करना है आपको। अगर पूरा पूरा फिट व्यवस्थित नहीं किया तो दोस्तों बहुत ही बड़ा हादसा हो सकता है दोस्तों, सावधानी से काम करना है दोस्तों। फिर आप बोलेंगे सर आपने सही नहीं बताया है, तो दोस्तों मेरा बताने का मकसद है वो आपको एकदम क्लियर कर रहा हूँ दोस्तों। और इसको दोस्तों इतना फिट करना है कि ग्राइंडर को हिलना नहीं चाहिए। ग्राइंडर से दोस्तों क्या क्या चीज़ काम होती है, लेकिन एक हम नया दोस्तों एक जुगाड़ भी लाया आपके लिए। इसको अपन दोबारा पूरा पूरा एकदम टाइट असेंबल कर दिया दोस्तों, पूरा पूरा टाइट हो गया है। और दोस्तों जो टाइट करना है ना दोस्तों एक जैसे ही करना है आपको, ऐसा नहीं एक को ज़्यादा एक को कम, बैलेंस दोनों का एक साथ में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों ये असेंबल हो गया। अब दोस्तों इसके ऊपर अपन सबसे पहले जो अपन फिट करने वाले हैं चैन को लेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे। चैन में दोस्तों आप अगर ऐसा लगा रहे हैं, ग्राइंडर दोस्तों आपका ऐसा है तो इसको फ्रंट ये ऐसा रखना आगे रखना है। और सबसे दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ जानकारी देता हूं दोस्तों, ग्राइंडर को दोस्तों एक बार आप चालू करना है, कौन सी साइड दोस्तों ग्राइंडर घूमता है वो चीज़ भी देखना है। अब समझ लो दोस्तों मेरा ग्राइंडर इस टाइप घूम रहा है, तो चैन को ये भी ऐसा रखा तो दोस्तों उल्टा हो जाएगा। तो दोस्तों इसको अपन वापस सीधा कर लेते हैं, तो चैन को घुमा देते दोस्तों, ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि अपना ग्राइंडर इस टाइप का घूम रहा है। तो यहाँ से अपन को लकड़ी कट करना है, इस टाइप से रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों ये पूरा पूरा असेंबल हो गया है। अब दोस्तों अपन इसका एक जो हेड रहता है इसको अपन टाइट कर देते हैं दोस्तों, पूरा दोस्तों इसको अपन टाइट कर लेते हैं, इसको टाइट कर दिया। नीचे दोस्तों इसका लॉक सिस्टम रहता है, नीचे से इसका बटन रहता है, इसको पुश करने का और ये लॉक हो गया है। लॉक के माध्यम से दोस्तों आप इसको टाइट कर सकते हैं, टाइट हो गया दोस्तों। अब दोस्तों अपन को एक कहाँ पे यूज होता है दोस्तों, चैन एडजस्ट करने के लिए, इसको चैन एडजस्टेबल बोलते हैं दोस्तों। ये बाहर ही रखना है आपको, अंदर नहीं रखना है, चैन का जैसा गाइड है उसी हिसाब से इसको एडजस्ट करना है। ठीक है दोस्तों तो पहले अपन दोस्तों इसको भी असेंबल कर दिया है, अब इसको अपन यहाँ लगा देते हैं, लगा दिया दोस्तों। अब अपन को गार्ड के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा पीछे लेना पड़ेगा, इसका दोस्तों नट है, इसके बिना अपना ये टाइट होने वाला नहीं है। ये अपन यहाँ पर लगा दिया दोस्तों, इसको एक्चुअली बाहर ही रखना थोड़ा टाइट करने के लिए। दोस्तों देख लिया आपने प्रॉपर, अब अपना प्रॉपर ग्राइंडर वर्क कर रहा है दोस्तों, अब देख रहे हैं दोस्तों मैं हल्का सा हाथ से घुमा रहा हूँ दोस्तों। अब दोस्तों इसके ऊपर अपन को क्या लगाना है, सबसे पहले दोस्तों अपन को ये लगाना है सेफ्टी गार्ड, इसके साथ में दो इसके बॉडी के दो स्क्रू हैं दोस्तों, वाइसर के साथ में लगाना दोस्तों। अब इसको इसके ऊपर अपन दोस्तों इसको रख रहे हैं, दो वाइसर साथ में रख रहे हैं दोस्तों। अब इसके अपन इसको एलिंग से दोस्तों अपन टाइट करने वाले हैं, चाहे तो दोस्तों इसको एलंगी से टाइट कर सकते हैं दोस्तों। अब पूरा टाइट नहीं करना है, पहले अपन को चेन का भी देखना है, चेन लूज है टाइट है वो भी देखना है। हल्का सा अपने टाइट किया है, अपन अभी जो अपन नट यहाँ डाला था उसको अपन एडजस्ट देखना, अभी अपना ब्लेड लूज है कैसा है क्या है, तो अभी फिलहाल में थोड़ा इसको अपन टाइट कर लेते हैं। अभी दोस्तों टाइट हो गया है, अब चाहे तो अपन दोस्तों इसको टाइट कर सकते हैं, और चाहे तो आप दोस्तों इसके साथ में आपको फिट करना है, मैं अलग से दिखा रहा हूँ दोस्तों खाली असेंबल करने के लिए, चाहे तो आप इसको फिट कर सकते हैं।
ये दोस्तों आपको चालू करके दिखाने वाला है दोस्तों, ये सेफ्टी रहता है दोस्तों, यहाँ पे लगाना पड़ेगा दोस्तों आपको। ये इसका दोस्तों हैंडल है, हैंडल यहाँ पे लगाना है दोस्तों, स्क्रू लगा के दोस्तों दोनों साइड लगा सकते हो दोस्तों, इस साइड भी आप लगा सकते हैं, दोनों ऑप्शन देके रखा है, जैसा आपका कंफर्टेबल, जैसा आपका ग्राइंडर आपको जैसा सेटिंग हो रहा है ऐसा उसको हिसाब से लगाना है, दोनों तरफ हमने इसका देके रखा है। ठीक है दोस्तों, और ये सेफ्टी रहता है दोस्तों, आप यहाँ लगा सकते हैं, वो भी आपको अगर लगा के दिखाना है दोस्तों, ये भी लगा के दिखा देता हूँ, क्योंकि सारी चीज दोस्तों असेंबल करके दिखाएंगे तो दोस्तों पूरा का पूरा वीडियो बड़ा बन जाएगा। दोस्तों अपन दोस्तों इसका जो सेफ्टी कवर है वो भी लगा दिया अपन दोस्तों, अभी पूरा पूरा दोस्तों इसको पूरा असेंबल कर दिया है, अभी अपना पूरा का पूरा एकदम असेंबल हो गया, इसके अंदर दोस्तों आपको ऑयल डालना है। ठीक है दोस्तों, पूरा पूरा असेंबल कर दिया, आप पीस देख सकते हो दोस्तों ऐसा असेंबल होने वाला है। ठीक है दोस्तों, पूरा जूम करके दोस्तों आपको पूरा अगर बॉस का दोस्तों आपके पास अगर ग्राइंडर है तो उसका बटन दोस्तों ऊपर रहना चाहिए, बॉडी का पूरा पूरा आपको फ्रंट रखना है, अगर दूसरा कोई आपके पास दोस्तों ग्राइंडर है उसका पीछे बटन रहता ऑन ऑफ, तो आप ग्राइंडर दोनों तरफ आप अटैचमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी अपन लोग आपको लकड़ी कट करके दोस्तों दिखाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, पूरा अपना असेंबल हो गया है, अब आपको दोस्तों लकड़ी कट करके दिखाने वाले हैं। दोस्तों जो लकड़ी दोस्तों अपन कट किया है एकदम देखो, एकदम दोस्तों लकड़ी जो मेरे पास है दोस्तों पूरा एकदम हार्ड लकड़ी दोस्तों, अंदर का जो लकड़ी के अंदर का जो गिरी बोलते हैं ना लाल कलर का जो लकड़ी, वो पूरा पूरा दोस्तों हार्ड लकड़ी है, वो वाला दोस्तों मैं कट करके दिखाया हूँ दोस्तों। दोस्तों टी कोड का जो लकड़ी रहता है नॉर्मल रहता है, इतना हार्ड नहीं रहता है। तो दोस्तों आपको अच्छा वीडियो लगा रहे तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, और आपको अगर दोस्तों परचेस करना है तो दोस्तों नीचे दी गई लिंक पे क्लिक करके दोस्तों आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया दोस्तों हमारा सर्विस है, आप जहाँ से मंगाएंगे वहाँ पे आपको डिलीवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए।